हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड चांद मुबारक। सो चांद दिखने के साथ साथ मैं आपको सीयूटी के लैंग्वेज सिलेबस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए आ जाई हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो आज हम क्या करेंगे कि इंग्लिश जो हमारा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और वो बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं जो सीयूटी में भी आते हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। बट राइट नाउ जो हमारा फोकस है वो क्या है, वो सीयूटी एग्जामिनेशन पे है। सो मैं बात करने वाली हूँ लैंग्वेज 1A एंड 1B सिलेबस फॉर क्लास 12th। नाउ अब जितना भी आपने 6th to 12th इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा हुआ है उसके बेसिक बेसिक चीज़ें, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे सीयूटी के सिलेबस में आने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन होगा वो दो पार्ट, जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका दो पार्ट में होगा, 1A और 1B। ठीक है, 1A में क्या होगा, उसमें लैंग्वेजेस होंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी फर्स्ट एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश का हमारे कोड क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोड है 101। आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा ईजी होगी और मोस्ट ऑफ कॉलेजेस इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो आप प्लीज़ इंग्लिश फॉर्म फिल करते टाइम इंग्लिश को टिक मार्क ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इंग्लिश में आएगा क्या। फर्स्ट थिंग, ईच क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन जो सही होंगे वो आपके 5 मार्क्स कंटेन करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है और वो बाय फॉल्ट रॉन्ग हो जाता है तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करके छोड़ दिया है तो आपको उस पर 0 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स उस पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे। ठीक है, एक है फैक्चुअल, दूसरा है नैरेटिव और तीसरा है लिटरली। अब फैक्चुअल क्या है, जो चीज़ें फैक्ट प्लस एक्चुअल, फैक्चुअल जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, फैक्ट प्लस एक्चुअल। सो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसा पहले कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो हैपन हुआ रहेगा उसके बारे में रिपोर्ट विथ फैक्ट आपको मेंशन की जाएगी कॉम्प्रिहेंशन में, एक पैसेज में जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया होगा। एंड क्वेश्चन क्या होता है कि हम पहले क्या करते थे, जब हम स्टार्टिंग में बिगनिंग में क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करते थे तो जो पैराग्राफ में लाइंस लिखी होती थी हम एज इट इज़ आंसर कर देते थे, बट वो हमें करना नहीं है। ठीक है, आंसर हमें खुद से क्रिएट करना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। सेकेंड क्या है, नैरेटिव, यानी कि एक नरेशन आएगा आपके पास। ठीक है, उसमें ऐसे चांसेस हैं कि आपका आउट ऑफ सिलेबस एक पोयम आएगी और जिससे आपके क्वेश्चंस बने होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तीसरा है लिटरली, यानी कि आपने जो पढ़ा होगा लिटरेचर में, लिटरेचर की कोई पार्ट ऑफ स्टोरी आएगी, एक पार्ट आएगा स्टोरी का जिसके क्वेश्चंस होंगे। इसमें कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं जिसके सिनोनिम और एंटोनिम ऑलरेडी आपके कॉम्प्रिहेंशन में, आपके पैसेज में मेंशन होते हैं, आपको वो सर्च करना होता है। मींस 6 to 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे जो रिटन आपको फॉर्म करने होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें सिनोनिम एंटोनिम या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, पैराग्राफ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है जिसमें कि स्पेलिंग एरर होता है। ठीक है, दूसरा आता है जिसमें टेंस एरर होता है। टेंस एरर के लिए मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था टेंस पढ़ाते टाइम कि टेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो टेंस हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो पढ़ेंगे, और मोडल्स। 3 चीज़ें हैं जो हमारे वर्बल एबिलिटी को चेक करते हैं। अब रीअरेंजिंग द पार्ट्स की बात करते हैं। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में क्या होगा, आपका सेंटेंस ऑलरेडी दिया होगा बट वर्ड्स एज इट इज़ नहीं लिखे होंगे, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं होंगे, उन सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना होगा। उसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि उन पार्ट्स को, जो वर्ड्स होंगे उनको फॉर्मेशन में ला के करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करेंगे, और जो 4 में से ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो करेक्ट करेंगे। अब थर्ड हम बात करते हैं चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब चूजिंग द करेक्ट वर्ड में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड में एक चीज़ आ सकती है कि वर्ड दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें दिया होगा इनमें से कौन सी मीनिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 सोनोनिम्स दिए होंगे और 1 एंटोनिम दिया होगा, वो आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा,
हाँ, स्पेलिंग एरर भी आ सकता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं। हिंदी में सिनोनिम्स को हम कहते हैं समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स को कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। आप ऑलरेडी 12th में, 10th में, 8th में, 9th में, यानी कि हम 6th स्टैंडर्ड से सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए मैं अब ये तो पॉसिबल नहीं है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि हम बहुत ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम लर्न कर लें, लेकिन एक अल्फ़ाबेट से मिनिमम 5 वर्ड्स के सिनोनिम और 5 एंटोनिम अगर लर्न कर लेंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द मोस्ट हम क्या करते हैं कि वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, तो हम सिनोनिम और एंटोनिम को क्या करते हैं, ईजिली कवर अप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या करते हैं, वोकैबुलरी में आपके आएंगे स्पेलिंग्स, जिनमें आपको एरर सर्च फाइंड करना होगा कि क्या ये जो एक वर्ड दिया होगा और उसकी 4 स्पेलिंग्स दी होगी, अब उसमें करना होगा कि कौन सा जो वर्ड की स्पेलिंग है वो करेक्ट है। यही आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे। सो ये आपका सिलेबस जो है इंग्लिश का, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है इन शॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आऊँगी और एक एक चीज़ें वन बाय वन में क्लास लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे सॉल्व करना है, वर्बल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या रूल्स हैं या क्या ट्रिक्स हैं, ठीक है। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में क्या ट्रिक्स आएंगे, ये सारे 6 टॉपिक्स मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। उसके पहले आप एक बार टेंस का वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिकॉज वो बेस है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर। सो फिर मिलते हैं, गुड नाइट।